जौनपुर में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका लगाने की शुरुआत आज 3 जनवरी से हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहले दिन लगभग 7000 किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे यूपी में आज 3,00,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर किशोरों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। बच्चों की वैक्सीन को लेकर अब इंतजार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में आज से 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। तो वहीं जौनपुर के वैक्सीनेशन सेंटर पर बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल पहुंचकर निरीक्षण किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। सर्वप्रथम आज मैं अपने नेतृत्व में भारत के नेतृत्व श्रीमान मोदी जी को बधाई प्रसन्न कर रहा हूँ, जिनके नेतृत्व में आज ये पहल की गई है कि अपने भारत के वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से 18 साल के बीच आज वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा मैं देखा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, इसके लिए प्रदेश की टीम, जिले की टीम, सागर नगर की टीम, सभी को बधाई प्रसन्न करना चाहूँगा। बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई प्रसन्न करूँगा। रुपेश कुमार जायसवाल। 3 जनवरी 2015 टारगेट 300 बच्चों का है। अभी तक लगभग 20 बच्चे लगवा चुके हैं, बच्चे आ रहे हैं, लगवा रहे हैं। लोगों से ये अपील रहेगा काफी बड़ी संख्या में अपने बच्चों को लिवा के आए और उनको वैक्सीन लगवा के उनको मिल जाएगा। क्या नाम? राजेश कुमार पांडे।